ये सब क्या था सनी? लगता है तेरे हनी के पीर बहुत पहुंचे हुए हैं। कंफर्म किसी तावीज का कमाल है, वरना डॉक्टर राजिया कहाँ लिफ्ट करवाती थी इस चाइना के वायरस को। तुमने मामा का स्टाइल चेक किया था? कैसे प्यार से बात की उन्होंने सारिम से, कहने लगी मामा को। समझ में नहीं आया मुझे ये मान कैसे गई। इस सवाल का जवाब तो गूगल भी नहीं दे सकता। खैर जो भी है, आज मैं इतनी खुश हूँ तुम्हारे तो केक ही डालने को दिल चाह रहा है मेरा। रफर लोग देख रहे हैं। देखते तो देखते रहे, सिग्नेचर स्टाइल है मेरा। सोच नहीं सकती कितना मजा आने वाला है मुझे चांदनगर में। फिलहाल ओटी चलो, उस खड़ूस डॉक्टर मंसूर की शक्ल देखकर भी ना बहुत मजा आएगा। यार बेटा ही कह दिया, मतलब बेटा। मैम नहीं मम्मा कहा करो, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा तो मुझे भी बहुत लग रहा है। अरे नाच मेरी जान, नाच नाच। अरे वाह दिखा। हजार बार बता चुका हूँ, मिनिस्टर के बेटे की बारात है यार, फंक्शन में अच्छा बजाना है। अरे मुझे बजा करो मिनिस्टर को भाई, अब तैयारी करो अपने हैंडसम भतीजे की शादी की तैयारी करो। आज बजाओ सिर्फ मेरे लिए, बजाओ 1 2 3 4 हे हा हा चल 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 हो हो हा ये वाला। ओ यार खुदा ने खौफ करे, अंदर आग लगी हुई है, आप लोगों को मस्ती सूची हुई है। अरे आग लगी हुई तो जाके फायर ब्रिगेड को कॉल करो, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहा है तू। अच्छी बंद कर दे अभी ओवर एक्टिव, और क्यों नाच रहे हैं यार, लॉटरी निकल आई है। अरे ग्रीन सिग्नल दे दिया मेरी सास ने शादी के लिए भाई, अंदर जो लाल बत्ती चल रही है खतरे की वो तो बुझा दे कोई। चांद अंदर जाओ यार, पानी की पूरी टंकी डाल दो उसके खतरे। हाँ किसपे खतरे? नहीं बोला क्या मैंने खतरे पे? अरे खतरे पे टंकी डलेगी आज, बजाओ खुशी का मौका है। छोड़ा है अपने सुईटू के लिए। ये सुईटू कौन है मामा? मैं बताऊं तुम्हें कौन है, चलो अंदर उठो। आप एक काम करें, ये इमली वाइल्ड टॉफ का है, इससे सचमुच में रोना आता है। ये मोदी का ऑफिस कहीं बाहर शिफ्ट करना पड़ेगा, जब भी घर में कोई अहम काम होता है इसका भेड़ बाजा शुरू रहता है। मैं मना करके आती हूं को। आ जाओ। और ये तुम्हारी की बत्ती से निकल रही है? मैं सोच रहा था कि हमारे ड्राइंग रूम को आप लोगों ने रेलवे स्टेशन क्यों बना रखा है। इसलिए कि इन बच्चों ने जिंदगी को भी 24 घंटे की इंस्टा की स्टोरी या रील समझ लिया है। बाऊजान आई स्वेयर मेरी स्टोरी चेक कर ले, मैंने कल लगाई थी कि हमने ब्रेकअप कर लिया, आप चेक करें। 436 मरतबा पहले भी लगा चुके हो तुम। अंकल आशु कुछ भी गए, मैं यहाँ पे आ गई हूँ मुस्तकिल। इतने सारे ब्रीफ केसेस लेकर, इसमें मेरे जूते हैं, इसमें मेरे कपड़े हैं, इसमें मेकअप है, इसमें टिकटॉक का सामान ज्यादा है। नहीं नहीं बहुत मुख्तसर है ये तो। आप इसकी वालदा से बात करें ना बाबू भैया। हाँ हाँ बेटा तुम अपनी अम्मी को फोन लगाओ। उनका नंबर तो मैंने ब्लॉक कर दिया। अस्तगफुरुल्लाह, बहुत ही गैर खानदानी हरकत की है तुमने। अरे बेटा हम तुम्हें नहीं रख सकते, तुम जाओ यहाँ से। क्यों नहीं रख सकते? ये मेरे हब्बी का घर है, हमारा निकाह हुआ है, मैंने तो इंस्टा पे स्टोरी भी डाल दी है। क्या यही के अनारकली अपने सलीम अंकल के घर चली? अस्तगफुरुल्लाह, इस हब्बी का तो मैं कीमा बना दूं। अरे छोड़े ना सलीम, बाऊजान आप अपने नंबर से इसकी वालदा को ट्राई करें ना फोन। जान बिल्कुल सही कह रहे हैं, सलीम कॉल लगाओ। नहीं अंकल, अगर आपने ऐसा किया तो मैं स्विमिंग पूल में छलांग लगा के खुदकुशी कर लूंगी। स्विमिंग पूल में छलांग मार के कौन मरता है? मैं कौन सा मरने के लिए खुदकुशी कर रही हूँ? hey, तुम फिर आ गई? मामा आपको डैडी बुला रहे। अरे जाओ भाई, तुम 2-4 घंटे तुम्हें ना देखे ना तो वो भी डैडी होने लगता है। जाओ चलो मेरे साथ, चलो। अरे बाऊजान आप सुकून से अपने कमरे में जाके क्यों नहीं बात करते इसकी मम्मा से? अरे इस मती और इसके बैंड के होते हुए सुकून तो हम सबको कब्र में मिलेगा। अरे यार तुम नंबर दो ना, किसकी कॉल आ रही? मैं आ रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। तुम आराम से बैठ के खेले खाओ, बैठो।